उज्जैन में राज्य सरकार और कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद हरसोदन ग्राम पंचायत क्षेत्र में मक्सी रोड पर सरकारी संस्था का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण जन और किसान मौजूद रहे। साथ ही सरकारी संस्था के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि किसान और मजदूर परिवारों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके और किसान और ग्रामीण लाभ ले सकें। इसी को लेकर उपस्थित अधिकारियों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और लाभ लेने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण किसान और मजदूर मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सहकारी संस्था हरसोदन में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सहायक पंजीयक कार्यालय के समस्त अधिकारीगण आए थे, जिसमें असरानी साहब, चंद्रशेखर जोशी साहब और साकला साहब और वीके जोशी साहब और हमारी चारों संस्थाओं के ताजपुर, भेसोदा, सुरजनवासा, चारों संस्थाओं के कृषकगण भी आए थे और हमारे पूरे 8 गांव लगते हैं संस्था हरसोदन में, सभी यहां पर आए थे। और इस संबंध में सर ने मतलब किसानों 20 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। आज दिनांक 18/11/2021 को सेवा सहकारी संस्था हरसोदन में सहकारी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता के संबंध में जो सदस्य उपस्थित हुए उनको बताया गया और उनका सहकारिता के संबंध में जानकारी दी। सर, सरकार की और उज्जैन कलेक्टर ने बैठक लेकर भी निर्देश दिए अधिकारियों को, किस प्रकार से बैठक का निर्देश रहा और किस प्रकार से बैठक क्या रहा? बैठक का ये है कि सहकारी सप्ताह का जो शेड्यूल है इसका उद्देश्य था। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक लेकर भी निर्देश दिए थे, किस प्रकार से क्या रहा? 63 अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह जो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है, आज दिनांक 17 को स्वच्छता मिशन के अंतर्गत इसमें धूम्रपान निषेध, दारू निषेध एवं स्वच्छता रखना, इसके संबंध में सदस्य को बताया गया। सदस्य को उनके अधिकार के बारे में बताया गया कि आपको क्या क्या करना है। सर, किस प्रकार से हितग्राहियों को इससे फायदे होंगे, किस प्रकार से क्या रहेगा? ये केवल हितग्राहियों को, जो भी हमारे संस्था के किसान लोग हैं इनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।